नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सरसाई और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, ताकि आपका सरसाई का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जनरली जब आप बैंक से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बैंक के पास तब तक मॉर्गेज रहती है जब तक कि आप अपना पुराना लोन पूरी तरह से चुका नहीं देते या बंद नहीं कर देते, और इस बीच आप सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दूसरे बैंक से भी लोन नहीं ले सकते हैं। बट 2011 से पहले क्या होता था, जब लोग बैंक से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते थे, स्पेशली इक्विटेबल मॉर्गेज में, तो उसका रिकॉर्ड सिर्फ उसी बैंक के पास होता था जिस बैंक से लोन लिया गया है। और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। लोग क्या करने लगे कि अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट या काउंटरफीट पेपर्स बना के सेम प्रॉपर्टी अगेंस्ट दूसरे बैंक से लोन ले लेते थे। इससे क्या होता था कि अगर लोन ख़राब होता था तो बैंक को क्लेम करने में प्रॉब्लम होती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है और एक बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके उसको 7 लाख रुपए दिए। अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी बैंक के पास मॉर्गेज है, तो इनकेस लोन ख़राब होता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके या ऑक्शन करके अपने ड्यूज को रिकवर कर सकती है। बट अगर उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दूसरे बैंक ने भी उसको 7 लाख रुपये का लोन किया है, और दोनों ही बैंक में अगर लोन ख़राब होते हैं, तो प्रॉपर्टी को सेल करके या ऑक्शन करके मिलने वाले अमाउंट दोनों बैंक्स के ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। और इसी वजह से 2011 में सरसाई को इंट्रोड्यूस किया गया। सरसाई बेसिकली एक सेंट्रल रजिस्ट्री है या सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जिसमें कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के ओनर का नाम, बॉरोअर का नाम, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, लोकेशन एट्सेट्रा। और ये मॉर्गेज करने से 30 दिन के अंदर अंदर ऐड करनी पड़ती है। इस इंफॉर्मेशन को दूसरे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ अगर कोई आदमी किसी बैंक से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाहता है, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरसाई में इंक्वायरी करके पता लगा सकता है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है या नहीं है। और इस कारण से फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, बैंक को क्लेम करने में भी आसानी होती है, साथ में बैंक्स का सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी सेफ रहता है। दूसरी तरफ रजिस्टर्ड मॉर्गेज में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है तो उसका रिकॉर्ड बैंक के साथ साथ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया सरसाई और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।